नाम की है सदा ज़ैनब। नबी के घर में रिसालत माफ है ज़हरा। दो घर है ना, एक नबी का घर है, एक इमाम का घर है। नबी के घर में रिसालत माफ है ज़हरा। अली की गोद में रह के है मुर्तज़ा ज़ैनब। अली की गोद में रह के है मुर्तज़ा ज़ैनब। और करम नहीं है फकत इसका आदमियत पर, खुदा से पूछ खुदा की है ना खुदा ज़ैनब। इसे सिखाती रही गोद में वफा ज़ैनब। इमाम के लिए करती रही दुआ ज़ैनब। और अली ने आले मोहम्मद को ये वसीयत की, अली ने आले मोहम्मद को ये वसीयत की, पड़े कभी कोई मुश्किल तो है खुशहाल ज़ैनब। पड़े कभी कोई मुश्किल तो है खुशहाल ज़ैनब। किसाए किसा थी ना चौथा सैयदा की, किसा बिन्ते मोहम्मद में पंजतन थे मगर, किसाए बिन्ते मोहम्मद में पंजतन थे मगर, तीन तीन पे तनी है तेरे सर की रेदा। और हुसैन ने शाम में नेजे की नोक पर बोले, हुसैन शाम में नेजे की नोक पर बोले, नहीं है कोई भी अब फिक्र लाइला ज़ैनब। हुसैन खालिके काके शिफा यकीनन है, हुसैन खालिके काके शिफा यकीनन है, हुसैनियत के लिए बन गई है शिफा ज़ैनब। और अली के लहजे में खुतबा मुहीत सदियों पे, अली के लहजे में खुतबा मुहीत सदियों में, जहाँ याद करेगा तेरी अना ज़ैनब। हया और सब्र के सूरज की है ज़िया ज़ैनब, बनी हुई है अलमदारे करबला ज़ैनब। जो जो दुआएं लेके आप आएंगे इससे पहले सबकी दुआएं मुस्तजाब हो जाएंगी। आज एक खास बीबी की
शहादत के अयाम है और रजब को और अली अलैहि सलाम का जिक्र न हो। महफिल मजलिस नबी के फरमान के मुताबिक अली अलैहि सलाम के जिक्र के बगैर सजती ही नहीं। आपके सामने नबी पाक की एक हदीस बयान की गई कि जब मेरे मौला ने कायनात के नबी ने जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को देखा, मोहम्मद पहली मर्तबा जब अपनी नवासी को देखा, ये कौन सी नवासी है कि जब कुरान फरमाता है मरजल बहरैन यल्तकियान, जब दो की शादी होती है तो सिर्फ हसन हुसैन नहीं मिलते जनाबे ज़ैनब भी मिलती है, जनाबे उम्मे कुलसूम भी आती है। उस मरजल बहरैन के नतीजे में जो नवासी रसूल अकरम को खालिक अकबर ने अता की, उसी नवासी को लेकर कायनात के नबी यानी जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को लेकर मौला मस्जिद नबवी में तशरीफ लेके आए। मस्जिद में बच्ची को हाथों पे लिया, अपने बच्ची का नवासी का चेहरा चूमा, बोसा लेने के बाद, और आपको पता है कि मौला का फरमान है कि जब बेटियां ब्याही जाएं और वो अपने मेके में आए तो अपनी बेटियों की पेशानी का बोसा लिया करो, ये इससे तुम्हारे घर में खैरो बरकत आती है। अपनी बेटियों को प्यार करो तो भाई और वालिद इस तरह प्यार करें कि उनकी पेशानियों पे बोसा दें। और अहले बैत के घर में ये दो ही तो रवाज थे, बेटियों से मोहब्बत का इजहार करने के साथ, बहनों के साथ मोहब्बत अकीदत का इजहार किया जाता था। तो पहला तरीका क्या है कि या तो बेटी या बहन का बोसा लिया जाता था, या दूसरा तरीका क्या था कि दस्त शफ़त उनके सरों पे रख दिया जाता था। अब यहाँ पे मेरे मौला उसी नवासी को लेकर आए मस्जिद में, और तमाम के दरमियान मेरे मौला ने एक हदीस, बहुत छोटा जुमला है लेकिन हिकमत से भरा पड़ा है, मेरे मौला ने आके क्या फरमाया, फरमाया हाज़े ही मसीनु खदीजतुल कुबरा, फरमाया ऐ मेरे सुनने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, ये आने वाली बच्ची आम सी नहीं है, हाज़े ही मसीनु खदीजतुल कुबरा, ये तुम्हारे लिए ये ऐसी मिसाल है जैसे खदीजतुल कुबरा। और तेरा रजब का जिक्र तो साथ साथ रहेगा। फरनिमन खदीजतुल कुबरा कौन बीबी, जब किसी के पास दौलत नहीं थी तो खदीजतुल कुबरा के पास थी, जब किसी के पास रोटी खाने के लिए नहीं थी तो खदीजतुल कुबरा के 60,000 ऊंट और कुछ रवायतों में 65,000 ऊंट शाम को भी जाया करते थे और यमन को भी जाया करते थे। जब किसी के पास कुछ नहीं था तो खदीजतुल कुबरा यानी इस वक्त वो सबसे अमीर तरीन खातून, आज के दौर में अगर लिया जाए तो जनाबे खदीजा इतनी अमीर थी कि किसी के पास दौलत नहीं थी। एक नुक्ता तो ये हो गया कि अल्लाह फरमाते, अल्लाह के रसूल फरमाते, जिस तरह जनाबे खदीजतुल कुबरा साहिबे सरबत थी, इसी तरह मेरी बेटी साहिबे सरबत होंगी। जिस तरह उनके पास दौलत के अंबार थे, इसी तरह मेरी ज़ैनब के पास दौलत के अंबार होंगे। पर अरेमन बाप कौन जिसकी आमद खाना काबा में, वो जब कोई भी ना था तो अली थे, पर अरेमन जब कोई भी नहीं था खालिक ने अपने नूर से जिस नूर को जुदा किया वो अकेला था, लेकिन जब पैगर में आया तो दो हिस्सों में तकसीम हो गए, एक नबी बन गए एक वली बन गए। लगा हुआ था और जब सारे बैठे हुए थे अचानक क्या देखा, इस तरह मंजर था कि नबी पाक तशरीफ फरमा थे, भाई जहाँ पे नबी हो तो महफिल तो सज जानी चाहिए, हमारे तो वफद अपने अरूज पे होंगी, और अकेले नबी नहीं थे, दाएं तरफ अली आका भी थे, सामने सहाबा कराम का मजमा था,
कोई इंसान था या जिन था पता न चला कि उस महफिल में आ गया। उसके आने का असर ये हुआ कि हमारे दिल घबराने शुरू हो गए, इधर के लोग इधर और उधर के लोग इधर हो गए। मेरे मौला ने इशारा किया, घबराओ नहीं, मासूम की महफिल में बैठ के घबराया नहीं करते। यहाँ पे एक मासूम नहीं था, यहाँ पे तो दो दो मासूम थे। तो पता चला कुछ थे कि जो मासूम की महफिल में भी घबराया जाया करते थे। मौला ने मेरे खैर वो आया, मेरे मौला ने कहा बैठ जाओ, सुकून करो। अब जैसे आए मेरे मौला फरमाए इनको अपना तारुफ करवाओ। नबी ने ये नहीं कहा मुझे अपना तारुफ करवाओ। पता है कि नबी को सब बातों का इल्म है। फरमाया जो बैठे हुए ना इनको अपना तारुफ करवाओ। कहने लगा कि मैं शैतान की नस्ल से उसका परपोता हूँ। तो शैतानों के काम कैसे होते हैं? जब कहा मैं शैतान की नस्ल से परपोता हूँ, माला फरमाते क्यों आए हो? फरमाया ए कायनात के नबी, हमारा भी यकीन है आप आखिरी नबी हैं। मसला एक बन गया है कि जब आदम अलैहि सलाम को खालिक अकबर ने भेजा जमीन पे, तो हम जितने भी जिन्नात थे शयातीन थे हम जमा हो गए। कोशिश ये थी कि अल्लाह के नूर को बुझा दिया जाए। कहा हम सब ने आदम अलैहि सलाम पे हमला किया, और जैसे ही हमने हमला किया इधर हम हमला करने लगे, वहां से एक नूर आता हुआ दिखाई दिया। वो नूर ऐसा ताकतवर था कि हम हमला करने लगे वो नूर हमें आंखें दिखाता, हम भाग के चले जाते। हम में से एक ने दूसरे से सवाल किया आखिर ये नूर कैसा है जिसके जलाल के आगे हम ठहर न सके। ऐसा हो सकता है जैसे पीछे आने वाला नबी हो, कहे अल्लाह के नबी उसके बाद जो नबी है जनाब ईसा अलैहि सलाम हमने उस पर भी हमला किया, जब उन पे हमला किया तो फिर नूर आ गया। हमने कहा उनसे पीछे आने वाला नबी होगा। कहा नबी आते रहे हम हमला करते गए, नूर बचाने वाला आता रहा। आदम पे हमला किया तो बचाने वाला आ गया, नूह पे हमला किया तो बचाने वाला आ गया, अदरीस पे हमला किया तो बचाने वाला आ गया, यहिया पे हमला किया तो बचाने वाला आ गया, अखदूद पे हमला किया तो बचाने वाला आ गया। तो ए अल्लाह के नबी हमें पता है कि आप आ गई है, आपके बाद तो कोई होगा नहीं, और हमारे जहनों में यही था कि बचाने वाला आप बाद वाला नबी है। ए अल्लाह के नबी अब आपके बाद तो आने वाला कोई नबी है नहीं, अब हमें बताए कि आखिर वो बचाने वाला था कौन।
माशाल्लाह, और अपने चाहने वालों को कभी भी जुदा नहीं रखते मौला। एक शख्स आया मौला के पास, कहा मौला आपके चाहने वाले ने चोरी कर ली, आपके चाहने वाले ने, मुनाफिक था ना, तंजिया बोला का मौला आपके चाहने वाले ने चोरी कर ली। मौला फरमाते ले आओ। अब जब उसे लाया गया तो रो रहा है। मौला फरमाते रो क्यों रहे हो? का मौला चोरी की है वो तो गुना अपनी जगह, लेकिन रो इसलिए रहा हूँ कि मैं आपका शिया और इसने आपको कहा, मौला आपकी शिया ने, यानी मेरी वजह से आपकी गर्दन झुकता है, ये मुझे गवारा नहीं है, लेकिन मौला हो गया। मौला फरमाते पता ना किसके पास आए हूँ? माशाल्लाह जी मौला, मुझे पता है अपने मौला के पास आया हूँ। मौला फरमाते तुम्हें पता है ना अली माफी नहीं करते, अदल मसावी बराबरी है, अदल अदल है। हाँ मौला पता है। मौला फरमाते सजा के लिए तैयार हो? जी मौला। मौला फरमाते हाथ आगे करो। अली अलैहिस्सलाम के हाथों में ज़ुल्फ़िकार आके जुम्बश में आ गई। इधर मौला ने तलवार चलाई, उंगलियां जो थी कट गई। अब अपनी उंगलियों को लेकर दरबार से बाहर निकला। अब जब जा रहा है वापस, उसी मुनाफिक ने कहा और मानो अली को, और मानो अली को, बड़े अली अली करते थे, काटती ना अली ने तुम्हारी उंगलियां। अच्छा उंगलियों को लेके कहा शुक्र है अल्लाह के मैं ऐसे अली को मानता हूँ, शुक्र है अली के अकबर तेरा शुक्र है कि ऐसे अली को मानता हूँ। वो ये नहीं देखते अपना है या गैर है, वो ये देखते हैं कि अदल को कायम रहना चाहिए। अभी जुमले कह रहे थे, कहा ना मानता तो ज्यादा अच्छा ना होता, इनकार कर देता। कहा नहीं हो ही नहीं सकता, मुझे तो फख्र है कि मेरे मौला ने मुझे पाक कर दिया। अब ये जुमले कह रहा था उधर से अली अलैहिस्सलाम सुन रहे थे, मेरे मौला ऊपर से, मौला फरमाते हैं मैं मेरे मानने वाले अपनी उंगलियों को अपने हाथ के साथ रख दे, अपनी उंगलियों को अपने हाथों के साथ मिला दे। अब जैसे ही मिलाई, इधर के दुल्ला ने अपने हाथ, जैसे मौला ने अपने हाथ को उसके हाथों पे रखा, अली के हाथ की इतनी ताकत थी, जब उठाया तो उंगलियां जुड़ी हुई। जोड़नी थी तो फिर काटी क्यों? मौला फरमाते काटना मेरा अदल था। और जिन्हें मोहब्बत है अली से वो जुमला सुनेगा लुत्फ उठाएंगे। फरमाया काटना मेरा अदल था, जोड़ना मेरी मोहब्बत है, जोड़ना मेरी मोहब्बत है। नारे हैदरी सलाम, हमें तन्हा नहीं छोड़ते जनाब ज़ैनब। और सिर्फ अली अलैहिस्सलाम अकेला नहीं छोड़ते, जनाबे ज़हरा भी अकेला नहीं छोड़ते। तारुफ हो जाए ना बीबी का। कौन जनाबे ज़हरा? एक शख्स ने, बीबी बहुत बड़ी आलिमा थी, घर में रहकर इल्म फैलाती थी। मर्द और औरतों ने तो सीखना ही होता, मर्द भी अपनी औरतों के जरिए खत भेजा करते बीबी से, यह मालूम हासिल किया करते अपनी औरतों के जरिए। एक शख्स ने अपनी ज़ौदा से कहा, बहुत मानने वाला था, कि सैयदा से जाके पूछो कि क्या मैं आपका शिया हूँ। बीबी से जाके सवाल करें कि मेरा शौहर पूछता है क्या मैं आपका शिया हूँ। फरमान इसके दो ही जवाब बनते हैं, या सैयदा, यानी सैयदा कहते हैं शिया है या शिया नहीं है। लेकिन सैयदा ने ये जवाब नहीं दिया ताकि आने वाली हर कौम का हर फर्द जान ले कि शिया किसे कहते हैं। अगर हाँ या ना में जवाब होता तो बात कयामत तक के लिए न रहती। मेरे बीबी फरमाती है सुनो, हमारा शिया वो होगा, सबसे पहले वो हमसे वो मोहब्बत करेगा कि उसने किसी से ऐसी मोहब्बत नहीं की। बीबी फरमाती अपने दिलों को टटोलो, अपने दिलों को खोजो, अगर उसके हर हर जर्रे में हमारी मोहब्बत है कि नहीं, बोलना चाहिए ना मोहब्बत है कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह है। पर मैं दूसरी बात, अपने दिलों में खोजो टटोलो कि जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए नफरत है कि नहीं है, उनके लिए नफरत है कि नहीं है। बीबी फरमाती है तीसरा नुक्ता, हमारा शिया वो होगा कि जो हम कहें वो करेगा। चौथी बात, हमारा शिया वो होगा कि जिससे हम मना कर दें
उसे बाज आ जाएगा। चार बातें सैयदा ने बताई, मोहब्बत करता होगा, हमारे दुश्मनों से नफरत करता होगा, जो हम कहें उस पर अमल करता होगा, जिसे हम रोके उसे रुक जाने वाला होगा। औरत लेके सवाल का जवाब अपने शोहर के पास आई, अब शोहर रोने लग गया, कहा दो बातें तो पाई जाती हैं हमारी तरह, दो बातें तो पाई जाती हैं, आखिर वाली दो बातें अमा भी होता है कहीं पे, हम अमल नहीं भी कर सकते। अब दोबारा भेजा अपनी जौजा को, कहा सैयदा बीबी से पूछना, क्या बीबी मेरी शिफात कर देगी? जब कहा ना, यानी अगर देखा जाए तो ये हमारा सबका सवाल है, सैयदा की खिदमत है, क्या बीबी आप हमारी शिफात करवाएंगी? तो सैयदा ने क्या जवाब किया, फरमाया ए औरत जाके शोहर से कह देना सैयदा ज़हरा तुम्हारी शिफात करवाएगी। फरमाया जब कयामत का मंजर नामा सज जाएगा, हर एक को अपनी फिक्र होगी, हर बंदा अपनी अपनी फिक्र में पड़ा होगा, फरमाया जन्नत की दहलीज पे जो खड़े होने वाली होगी मैं ज़हरा होगी। दहलीज को पकड़कर, जन्नत के दरवाजे को पकड़कर सैयदा क्या कहेंगी? फरमाया खालिक अकबर, आवाज आएगी ए मेरी कनीज आप जन्नत में आ जाए। फरमाया खालिक अकबर, मेरे बेटे के आजादार अभी रहते हैं जिनके अंदर ये चार बातें होंगी खारन मन, वो फौरन जन्नत में चले जाएंगे। खालिक अकबर हमें ऐसा बनाए, मोहब्बत भी हो, दुश्मनों के साथ नफरत भी हो, जो जाओ कहे उन पे अमल भी हो, जिसमें मना करे वो मना भी। फरमाया जो ये जिनमें चार बातें होंगी वो फौरन जन्नत में चले जाएंगे। अलबत्ता जिनमें दो बातें होंगी और ये बातें नहीं होंगी, कुरान नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाया जाएगा, अगर कोई पर्दा नहीं किया तो पर्दा न करने की सजा मिलेगी, लेकिन बीबी इंतजार में होगी, किसी ने कम गुनाह किया कम सजा, किसी ने ज्यादा किया ज्यादा सजा। बीबी फरमाती रवायतों में है कि सैयदा फरमाती मैं 70 साल जन्नत के दरवाजे को पकड़ के इसलिए खड़ी रहूंगी कि मेरे शिये आते रहे, मौला के मानने वाले आते रहे, आजादार आते रहे और मैं उनकी बख्शिश करवाती रहूं। लेकिन एक लम्हा सोचने की बात है, हम हैं वो शिया जो रोते हैं कि हमारी बीबी को चार घंटे दरबार में खड़ा रहना पड़ा। फजाइल में भी सुनिएगा, मगर क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी बीबी हमारी शिफात के लिए 70 साल जन्नत के दरवाजे पे खड़ी रहे? सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले, वाजिर फरज वाले मोहम्मद भी फरमाती है बेशक गुनागार हैं, मगर ये वादा है सैयदा का कि वो अपने बेटे के आजादारों की शिकायत करवाए। ये हो गए बहुत मुख्तसर माँ और बाप। बीवी ब्याह के जिधर जिस खानदान में आए, नाम है जनाबी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला किन के बेटे हैं जनाबे जाफर तैयार के, कौन जाफर तैयार? जनाबे अबू तालिब के लाल, वो जाफर तैयार के जिन्हें कायनात नबी ने हिजरत करने के लिए कहा था, अब क्या गए हिजरत करके, और हिजरत करके जब गए तो वहीं पे आपको खालिक ने दो बेटे अता किए, एक रवायत में दो एक रवायत में तीन बेटे, अब्दुल्ला और मोहम्मद, कितने बेटे दिए? यानी कहीं दो रवायत में कहीं पे तीन, वहां पे आपके वो बच्चे हुए, वहीं पे जब आप थे जनाबे जाफरे तैयार, वहां पे जनाबे मरियम के हक में वो कहा माशाल्लाह, तो खाली कहलवाना चाहता था ऐसी तबलीगे दीन की कि वहां के बादशाह को मुसलमान होना पड़ा। वहां पे उम्मे हबीबा खातून थी कि जिसके साथ रसूल अकरम का निकाह हुआ था। अब नबी तो इधर थे मक्का में थे, वहां पे थी जनाबे उम्मे हबीबा हबशा में, निकाह करवाना था, तारीख कहती है दो ही तो बाप और बेटे ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने नबी का निकाह पढ़ाया था। जब खदीजतुल कुबरा के साथ निकाह की बारी थी तो जनाबे अबू तालिब ने पढ़ाया था। निकाह का वक्त आया तो मौला ने उम्मे हबीबा के साथ निकाह का वक्त आया तो मौला तो इधर थे, तो मौला ने, अब स्काइप का तो दौर नहीं था ना, टेलीफोनिक दौर थोड़ा था, नंबर मिलाया, वहां से
औरत का भी हाथ में मोबाइल है, इधर भी निकाह हो रहा है, इधर नहीं, उधर कोई वक्त और थे। मौला ने अपनी तरफ से जनाबे जाफर तैयार को अपना वकील मुकर्रर किया। नबी इधर थे, बीबी उधर थी, जाफर निकाह पढ़ाने वाले थे। ये वाहद बाप ही और बेटा भी है जो नबी का निकाह पढ़ा रहा है। जनाबे जाफर तैयार तशरीफ लेके आए, खैबर का दौर है, और आए मदीना में। मदीना में पता चला कहा नबी पाक किधर है, कहा खैबर में। कहा खैबर में जंग हो रही है, तारीख कहती कि वो मारका है कि जब मुसलमान जो गरीब थे वो इतने अमीर हो गए कि गरीब बन गए, इतनी दौलत आई ना, और इतने पैसे, इतनी दौलत, इतना सोने और चांदी के ढेर लग गए। मदीना के बच्चे भी सोने की डलियों से खेला करते थे, इतना सोना आ गया। खैर मारा ने मन वक्त बोया, इधर से जनाबे जाफर तैयार चले, उधर से मौला कायनात सर कलम करने गए। याद है ना नाम सबको, किसका बोल बड़े मरहब का सर कलम। और जब गए तो मेरे मौला ने एक रेस पढ़ा था, क्योंकि तेरा रजब है, जब उसने कहा था मैंने लिबास लोहे का पहना हुआ है, तो मौला ने भी खैबर की सरजमीन को देख के यही कहा था, आली मत खैबर अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। खैबर की सरजमीन तुझे भी पता होना चाहिए, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने पालने में उसका नाम हैदर रखा। सर है माशाल्लाह, और दूसरे हाथ में खैबर का दर है माशाल्लाह। अली अलैहि सलाम इधर से आ रहे, इधर अली अलैहि सलाम पहुंचे, इधर से क्या देखा जनाबे जाफर तैयार भी है, जनाबे जाफर तैयार भी पहुंच गए। अब दोनों को देख के मेरे मौला ने एक जुमला कायनात के नबी ने फरमाया, मौला फरमाते मैं बयान ही नहीं कर सकता कि खैबर की फतह की ज्यादा खुशी है मुझे ये अपने भाई जाफर तैयार के आने की है। बात तो तकसीम हो कर उस वक्त जो इनाम कायनात के नबी ने एक इनाम दिया जनाबे जाफर तैयार को, वो थी चार रकत नमाज जाफर तैयार। इसे नमाज हिबा भी कहते हैं, यानी तोहफे में दी जाने वाली नमाज। औरों को तो माल मिला, फरमाया सारा माल एक तरफ, लेकिन नबी ने जिसे चार रकअत नमाज सौंपी, सारा माल एक तरफ, कितना माल बयान हो चुका, कितना माल वो बयान हो चुका, सारा माल एक तरफ और चार रकअत नमाज एक तरफ। और अरे मन ये वो जाफर है तैयार सुसर जनाबे ज़ैनब की, औरों को भी अलम मिला माशाल्लाह, मगर अलमदार हर कोई नहीं बना, अलमदारी इसी खानदान में है, अलम को उठाने का तरीका इसी खानदान में है। अलम किस किस को मिला, बहुत सौ को मिला, चचा अब्बास को भी मिला, अबू तालिब को भी मिला, पीछे हाशिम को भी मिला, पीछे चलते जाए ना जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम की नस्ल से, उधर से आगे चले तो नबी ने अपने हाथ से मुसअब बिन उमैर को भी दिया, जाफर तैयार को भी दिया, और फिर हैदर करार को भी दिया। जनाबे जाफर तैयार शहीद हुए, नबी वहाँ पे मौजूद नहीं है, इधर शहादत की खबर आई, इधर मेरे मौला की आंखों में आंसू, अचानक आसमान की तरफ क्या देखा, फड़फड़ाते हुए परों की आवाज आई माशाल्लाह। मौला ने जब आसमान की तरफ निकाह की तो क्या देखा, फरिश्तों के साथ जनाबे जाफर तैयार भी परवाज कर रहे हैं। मौला ये चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी, फरमाया अभी मेरे भाई जाफर तैयार के जो बाजू कलम हुए हैं तो खालिक ने उन बाजू की जगह पर अता कर दिए, और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मेरा भाई जाफर तैयार परवाज कर रहा है। मौला जनाबे अस्मा बिन तमीज के पास गए अफसोस के लिए, अभी अफसोस करके बाहर निकले तो जो कीजिएगा जुमले पे, अफसोस करके कि आपका शौहर दुनिया से चला गया, अफसोस करके जैसे ही बाहर आए क्या
अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे हैं। अभी बच्चा है ना, क्या पता यतीमी और वैसे खबर नहीं। अभी जैसे खेल रहे हैं, आपको पता है दुआ कबूल ना हो तो तीन मुकामात पे दुआ करें तो कबूल हो जाती है। काबा के दर पे जाके उस गुलाब को पकड़े, दुआ करें, दुआ कबूल हो जाती है। यदि इनके सर पे हाथ रख के दुआ करें तो दुआ कबूल हो जाती है। तीसरा, जो दुआ कबूल ना होती हो अपनी माँ से जाके कहें, माँ आपके हक में दुआ करे, दुआ कबूल हो जाती है। अब जैसे मेरे मौला ने देखा कि क्या कर रहे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के पास आया, अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? आम बच्चा होता तो कहता मौला खेल रहा हूँ। ये अब्दुल्ला थे माशाल्लाह, खानदान अक्ल वाला खानदान, बहादुरी वाला खानदान। अच्छा क्या कर रहे अब्दुल्ला? फरमाया मौला खिलौने रखे हुए का मौला तिजारत कर रहा हूँ। माशाल्लाह, एक छोटे से बच्चे का क्या जवाब था? मौला तिजारत कर रहा हूँ। और रहमतुल्लिल आलमीन का हाथ आगे बढ़ा, मौला ने यतीम के सर पे हाथ रख के दुआ, ये नबी की जुबान की तासीर थी। और दुआ किया खालिक अकबर अब्दुल्ला की तिजारत में इजाफा करना। और तारीख कहते फिर अब्दुल्ला की ज़ियारत ऐसे, तजारत ऐसे चमकी। वो जरा रोक के बयान करूंगी, ज़ौजा कौन सी है? जाफर तैयार शहीद हो गए, जाफर तैयार शहीद हो गए ना। मौला अली अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने निकाह खलीफा अव्वल से किया, वहां से एक बेटा हुआ मोहम्मद बिन अबी बकर। खालिद जब किसी नेमत को लेना चाहता है तो इस तरह भी ले लेता है। वो बच्चे जो थे, तीन बच्चे, वो रहे अपने चाचा के पास, नाम याद है ना, अब्दुल्ला और मोहम्मद। कहाँ पे रहे? चाचा के पास। कौन चाचा? अली इब्ने अबी तालिब। यानी इनकी तरबियत भी अली अलैहि सलाम कर रहे हैं। उधर से उनका विसाल हुआ, वो बच्चा भी अली अलैहि सलाम के पास। अब मौला ने जब देखा कि अस्मा बिनते अमीस का किरदार इतना पाक व पाकीज़ा है, मौला ने खुद जनाब अस्मा बिनते अमीस शादी की। यानी वो जो बच्चे हैं वो मौला अली अलैहि सलाम की निगरानी में पले। वो बच्चे बड़े हो रहे हैं। दौर है मौविया का, जनाब अब्दुल्ला का उस वक्त क्या शान शौकत थी, इतना माल खौरा ने माने, इतनी दौलत थी कि जब हुकूमत को कभी कर्ज लेना पड़ता, कर्ज की जरूरत पड़ती तो अब्दुल्ला के पास आते। दो बंदों के दरमियान अगर कर्ज के मामले में बात आगे चली जाती, लड़ाई बढ़ जाती, ज्यादा मतलब बढ़ जाती, और वो कर्ज ना दे सकता कर, वही में वो कहता जाओ मैंने कह दिया अब्दुल्ला तुम्हें मेरा कर्ज लौटा देंगे। माशाल्लाह, फिर कोई बंदा उस बंदे को लेके अब्दुल्ला के पास ना आता, तो वजह कीजिएगा बाद में। अब्दुल्ला कहीं पे बैठे हुए हैं, दो बंदों में लड़ाई है, एक बंदा कर्ज नहीं दे पा रहा, दूसरा मांग रहा है, देने वाले ने बस इतना कह दिया मेरा कर्ज जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार देंगे। वही पे सुलह हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, जिसने लेना है वो अब्दुल्ला की तहरीर पे पहुंच गया। उस गरीब ने कहा है कि मेरा कर्ज जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार अदा करेंगे। जनाब अब्दुल्ला ने कभी पूछा ही नहीं था, हाँ बताओ कितना कर्ज है, उतना कर्ज अदा कर दिया। अब्दुल्ला की जागीरें थी और इस हद तक सकावत में मशहूर थे। खड़े हुए हैं, एक शख्स आपस में गुफ्तगु करता है, कहा हमने सुना है कि अब्दुल्ला बड़े सखी हैं, आज पता चल जाता है कितनी सकावत थे। दहलीज पे खड़ा हो गया, उधर जनाब अब्दुल्ला घर से आ रहे हैं, और आते देख के कहा कि हमने सुना है कि इस रास्ते से सखी गुजरा करते हैं। सखावत तक तब समझ में आए कि अपनी सवारी और सवारी पे जो कुछ है वो हमें अता कर दिया जाए। अभी अता का जुमला जुबान में था, अब्दुल्ला घोड़े से उतरे, फरमाया जाओ राहे खुदा में हमने तुम्हें सब कुछ अता कर दिया। ये हालात है जनाबे अब्दुल्ला के। यानी जो मेका है वो भी आला है, जो ससुराल है वो भी आला है। बहुत छोटी है सैयदा जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बाबा की गोद में जिस तरह प्यार किया जाता है, हमारे यहाँ ये पढ़ा जाता है कि बीबी ने कभी चेहरा नहीं देखा वो हया की वजह से, मगर ये बात नहीं है कि बीबी अपने बाप के साथ कभी हम कलाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन का वाक्य है, मेरे मौला ने सैयदा को अपनी गोद में बिठाया हुआ और जिस तरह प्यार किया जाता है,
तेरे मौला पूछते हैं, कह रहे हैं इल्म सिखा रहे हैं। अब सोचें जिसे अली इल्म सिखाएं, अली कौन है जिसे नबी इल्म सिखाएं, और कब सिखाएं? हमारे नमन जब 13 रजब थी, अभी सुन के बैठे हैं, 16 रजब को नबी देने गए तो माँ ने कहा था ना, इस बच्चे ने आंखें नहीं खोली। अब मेरे मौला ने एक दफा हाथों पे लिया कायनात के नबी ने, और नबी ने एक जुमला फरमाया, खसस तो अली बिन नजरन, अली ने मुझे अपनी नजरों के लिए मखसूस कर दिया। यानी अली अलैहि सलाम ने मुझसे पहले किसी को नहीं देखा, अली ने अपनी नजरों के लिए मुझ मोहम्मद को मखसूस कर दिया, मुझ मोहम्मद ने अली को इल्म के लिए मखसूस कर दिया। जब मेरे मौला ने अपनी जुबान दी थी तो अलैहिस्सलाम ने चूसना शुरू कर दिया था, और जब चूसते गए एक दफा मेरे मौला ने कहा, या अली फराक खा ली, माशाल्लाह खाना पीना हो गया, तब कहा या अली कुछ सुनाओ, जब कहा ना कुछ सुनाओ तो उधर से क्या आवाज आई, तो राज सुनाए, फरमाया था किसी ने पूछा था, या अली आपने जब जुबान चुसाई गई थी तो आपने क्या लिया, फरमाया उस जुबान चुसाने में नबी ने मुझे 1000 इल्म के दरवाजे अता कर दिए। फरमाया वो देने वाले का कमाल था कि 1000 इल्म के दरवाजे दिए थे, और ये लेने वाले का कमाल है कि अली ने हर दरवाजे से यानी 1000 दरवाजा दिया। अब अली के लेने का कमाल ये था कि अली ने हर इल्म के दरवाजे से 1000 दरवाजे खोल दिए। वो अली अलैहि सलाम अपनी बेटी को इल्म दे रहे हैं, वो उसने बिठाया हुआ है, कहा बेटा कहो एक, सैयदा ने कहा एक, जब कहा ना एक तो वजह कीजिएगा, जुमला अगर समझ में आ जाए, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, 114 यानी एक वो 14 ये माशाल्लाह, एक वो 14 ये वो समझ नहीं आता जब तक 14 ना समझा दे, और ये 114। तो खारे ने मैं जो बात हो रही थी, कहो कहो बेटा एक ही मारिफत है, फरमाया कहो बेटा एक, बेटी ने कह दिया एक, अब कहो बेटा कहो दो, तो बीबी खामोश, कहा बेटा कहो दो, फरमाया बाबा मैं जिस जुबान से उसे एक कहती थी, तो मेरी जुबान इजाजत नहीं देती कि मैं उसी जुबान से दो कहूं। मेरे मौला ने अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कहा, वाकई मेरी बेटी सिखाई हुई है खुदा की जानिब से, ये ज़ैनब है जो अपने बाप की भी ज़ीनत है। अब नबी ने क्या जुमला कहा था, जब ब्याह किया है तो दौलत बेतहाशा बेतहाशा, इधर भी इधर भी, मेरे मौला ने जो जुमला कहा था वो कितना सादक था, मैं शुरू को जलब से है कि जब मस्जिद नबी में आए तो यही जुमले कहे थे ना, हाज़े ही मसीलो खदीजतुल कुबरा, मेरी ये बेटी जनाब खदीजतुल कुबरा की मिसाल है, ये खदीजतुल कुबरा जैसी होगी, बीबी अपने दौर में साहिब सरवत, तो ज़ैनब अपने दौर में साहिबे सरवत, या इसका अगर इस जुमले की करवट बदल ले, इसका पहलू बदल ले, तो मौला ये भी तो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह काबिले इज्जत जनाबे खदीजतुल कुबरा, इसी तरह काबिले इज्जत जनाबे ज़ैनब, जनाबे खदीजतुल कुबरा की क्या इज्जत है, फरमाया कुरान फरमा रहा है नबी की जो बीवियां हैं वो उम्मत की माए हैं, माशाल्लाह, तो जितनी माओं की कदर है उतनी जनाबे ज़ैनब की कदर होगी, माशाल्लाह। और अगर और पहलू लिया जाए तो नबी शायद ये भी कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह माँ को दुख नहीं दिया जाता उसी तरह ज़ैनब को भी दुख ना दिया जाए, जिस तरह माँ के सर से रिदा नहीं उतारी जाती, ज़ैनब के सर से भी रिदा ना उतारना, नबूवत
अपने पहलुओं में, अपने लफ्जों में कितने पहलुओं को समेटे हुए। ऐसा ना हो कि मेरी बेटी कहती रहे वाही जा वाह वाही जा, हाथ जोड़ के कायनात के तबीब की किस्मत पे अर्ज करे मौला आपने कह दिया हाजरी मसीदों खदीजतुल कुबरा, माँ के सर से तो कोई चादर नहीं उतारता। मेरा मौला ये वो बीबी है जो 36 शहरों में कहती रही लोगों में नबी की बेटी, आज उसके विसाल के दिन है, आज मातम करने का दिन है, आज इस बीबी के जाने का दिन है जो 18 भाइयों में बहन और अपने वाले जिसकी 18 थे मगर 36 बाजार और अपने वालों जो बाप की गोद में आई तो रोती रही।
हो जाए। जनाबे सैयदा को पहचाना, एक जुमला कहा, बस एक जुमला कहा, मेरी बेटियों, मेरी बेटियों, क्या तुम्हें अपनी माँ की वो नसीहत याद नहीं है? तुम्हारी माँ ने कहा था ना, सवालन को ज्यादा देर ना बिठाना, जब कहा सवालन को ज्यादा देर ना बिठाया करना, तड़प कैसे ना, फरमाया अब्दुल्ला, जब मैं पर्दे मारती रही हाय मेरा मजलूम, हाय मेरा मजलूम।
या हुसैन दरबार गई मेरी बिनते अली तेरी आजादी की दरबार गई मेरी बिनते अली तेरी आजादी दरबार गई जीवों पर माया नबी पाक ने दिल दा